Welcome to my YouTube channel MFTV All. Today I am going to tell how to fill your CA Foundation examination form for December attempt 2021. So guys, यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप CA Foundation का फॉर्म को फिल करें। तो उससे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आप अपना डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करें। वहाँ पर आपको दोस्त पर्सन की जरूरत पड़ेगी जिन लोग CA 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 में है और गजेटेड ऑफिसर है और हेड इंस्टीट्यूशंस है, उनका यहाँ पर आपको सिग्नेचर और सील की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि गजेटेड ऑफिसर चाहे वो कलेक्टर हो आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके सिटी के, चाहे वो BDO हो, चाहे वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, उसका सिग्नेचर वहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा आपको बता देते हैं, हेड इंस्टीट्यूशंस यानी कि किसी भी कॉलेज के जो हेड मास्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनका यहाँ पर सिग्नेचर और सील वैलिड रहेगा। बाकी दूसरे से आप अगर लेते तो वैलिड नहीं रहेगा। और गजेटेड ऑफिसर में लॉयर से भी आप करा सकते हो, तो आप फाइल को अटैचमेंट करा सकते हो और ICI के मेम्बर से भी करा सकते हो जो CA होते हैं, और चाहे तो आप CWEMA के भी मेंबर से करा सकते हैं जो CMA होते हैं, चाहे तो आप CS से भी करा सकते हैं जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। ये तीनों पर्सन से अगर आप कराते हो अटैचमेंट अपना फाइल, तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी उनके मेंबरशिप नंबर के। तो अगर इन तीन पर्सन से अगर आप कराते हो, तीन में से किसी एक पर्सन से, तो आपको यहाँ पर मेंबरशिप नंबर आपको डालना पड़ेगा। अगर आप इन तीनों के अलावा किसी भी गवर्नमेंट पर्सन से या किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड से अगर आप सिग्नेचर और सील लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप CA CA CMA से कराते तो ही मेंबरशिप नंबर आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं लगेगी ज़रूरत। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आपको ये फिल करना है, तो आप पहले कर ले। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा डिक्लेरेशन फॉर्म की तरफ। यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप CA फाउंडेशन का जो एग्जाम आने वाला है दिसंबर अटेम्प्ट का 2021 का, उसका आप कैसे अप्लीकेशन फिल करें। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर देते और बाद में उनको पछतावा आता और उनका एक अटेम्प्ट भी छूट जाता है। अगर आप इस अटेम्प्ट में नहीं हो पाओगे तो आपको सीधा मई का या जून का इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर क्या करना, पहले से आप तैयार रहो। तो चलिए आज मैं आपको दिखाने वाला कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। और इससे पहले आपको एक जरूरत पड़ती है कि आपको इस एप्लीकेशन को फिल करने से पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ता है CA एग्जामिनेशन के अंदर, आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। तो कैसे अकाउंट बनाया जाता है ये भी इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद क्या करना है, वो फॉर्म होने के बाद वो आप अकाउंट तभी बना सकते हो, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो जब तक कि नहीं आपका 12th एग्जाम पास हो। आपका 12th स्टैंडर्ड अब पास हो गया तो ही आप वहां पर बना सकते हैं। उसके बाद उसको बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देन आपको पूरा फिल करना पड़ेगा CA फाउंडेशन का हो या CA इंटरमीडिएट का हो या CA फाइनल का हो। तो सीनियर लोग को मैं बोलूंगा नहीं, क्यों उन लोगों को मालूम पहले से ही रहता है। तो यहाँ पर जूनियर लोग को बता रहा हूँ, जो CA फाउंडेशन के स्टूडेंट उनको बता रहा हूँ। तो वहां पर आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आप फॉर्म को इजिली फिल कर सकते हो, वहां पर भी आपको ध्यान से करना पड़ेगा। देन आपको पे करने का ऑप्शन आ जाएगा जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड कर दोगे। वहां पर क्वालिटी लिखा रहेगा कि इतने क्वालिटी में इसको मर्ज करके फाइल को PDF फाइल में कन्वर्ट करके अपलोड करना है, दैट्स इट। आप उसको उतना फाइल में कर देते हो तो वो हो जाता है सक्सेस। उसके नेक्स्ट प्रोसेस आपको आता है जो आप उसको पे करते हो 1500। उसके बाद क्या होता है, आपको एक सक्सेस होने के बाद एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, वो फाइल को आपको कंपलसरी डाउनलोड करना। तो डाउनलोड करोगे, अगर उस फाइल के अंदर आपका फोटो और आपका सिग्नेचर के साथ आ जाता है तो आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है, आपका समझो कि हो चुका है, आपको कुछ भी नहीं करना है। फाउंडेशन लेवल के अंदर आप करोगे तो सीधा आप इंटरमीडिएट में करोगे, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपका ब्लैंक पेपर आ जाता है सामने, कुछ भी नहीं, ना आपका फोटो है ना सिग्नेचर, तो जल्दी से उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना, और प्रिंट आउट निकाल के ये 3% किसी के भी पास आपको जाना है, गजेटेड ऑफिसर या हेड इंस्टीट्यूशन के पास जाना है, या आपको ICI के मेंबर हो, चाहे CS हो या चाहे CMA हो, किसी के भी पास जाके आपको फिर से फाइल को अटैचमेंट कराना पड़ेगा। और उसको क्या करना, आपको
स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट तुरंत करना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट का भी टाइम मैं आपको बता दे तो स्पीड पोस्ट का टाइम सिर्फ 7 अक्टूबर तक लास्ट है। उसके बाद अगर आप पोस्ट करते हो तो आपको उससे 7 अक्टूबर से पहले ICI के भवन में पहुंच जाना चाहिए दिल्ली, नहीं तो आपका आप नहीं एलिजिबल होते हो। तो इसका ध्यान आप बिल्कुल भी रखें, तुरंत आपको फास्ट स्पीड पे पोस्ट कर देना है। और दूसरा आपको मैं बता देता हूँ क्या ध्यान आपको रखना है, अगर आप पोस्ट नहीं कर पाते हो तो आप अपने नियरेस्ट कहीं पर भी आपको मतलब कि ICI का भवन है तो वहां पर आप जाके फाइल को सबमिट कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन है, चाहे तो आप स्पीड पोस्ट करो, तो मेरा आपको रिकमेंड रहेगा कि आप किसी अपने नज़दीकी भवन में जाने से अच्छा कि आप डायरेक्ट पोस्ट कर दो, क्योंकि क्या होगा स्पीड आप पोस्ट करोगे तो जल्द वो दिल्ली चला जाएगा। अगर भवन में भी आप डालते हो तो फिर वो पर्सन भेजेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसके लिए आप डायरेक्ट भेज दो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर ऐसा आता है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम नहीं आता है, जिन लोगों का कुछ इधर होने की वजह से वहाँ पर सिग्नेचर और फोटो नहीं आने की वजह से करना पड़ता है तो वो ज़रूरी आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, तो पूरा फॉलो करें और आपका यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को क्रोम ब्राउजर से आना होगा, लिखना होगा ICAI एग्जाम। तो देखिए फर्स्ट आपको दिख रहा है तो इसको क्लिक करें। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नहीं ओपन हो रहा, सर्वर डाउन है। तो इसकी वजह से मैं दूसरा आपको स्टेप बता देता हूँ कैसे, अगर ऐसे आता है तो आप क्या करें, अगर आपका पेज ओपन हो जाता है, अगर कंप्यूटर से आप करोगे तो ये पेज ओपन हो जाता है, फ़ोन से नहीं होता है जल्दी। तो चलिए यहाँ पर आना है और डेस्कटॉप साइट ओपन कर देना है। और डेस्कटॉप साइट ओपन करने के बाद देखिए मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए। तो देखिए इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे में आपको दिखेगा एग्जामिनेशन फॉर्म, तो इसको क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिसंबर 2021 आपको दिख रहा है ग्रीन बॉक्स, तो इसको आपको क्लीन करना, और डिटेल्स भी लिखा होगा वो डिटेल को क्लिक करना है आपको। जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देखें यहाँ पर आपको डिटेल दिख रहा होगा। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको लॉगिन आईडी करना होगा। अगर आप एक टाइम और यहाँ पर से अपना रजिस्टर कर चुके हो तो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम डिटेल्स को फिल करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम फ्रेशर हो तो आपको यहाँ पर लॉगिन को क्लिक करके रजिस्टर आपका एक आईडी बनाना पड़ेगा, आईडी और पासवर्ड। तो चलिए अगर पुराना है तो आप लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो अगर आप न्यू हो तो न्यू रजिस्टर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ सेकेंड में आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए ऐसा आपको स्क्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप जो है, यहाँ पर आपका डिटेल्स लिखना पड़ेगा, जो जो आपको डिटेल्स पूछ रहा है वो पूरा डिटेल्स आप लिख दें। तो आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो फाउंडेशन का, तो फाउंडेशन का, इंटरमीडिएट तो इंटर, फाइनल तो फाइनल, आपका जो है वो आप कर लेना। आपका कौन सा आपका रजिस्टर नंबर से पहले कौन सा शुरू होता है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं SRO कर लेता हूँ, हर एक स्टेट का हर तरह का रहता है रजिस्टर नंबर से पहले, तो वो आप अपने हिसाब से कर लो आपका जो है। उसको नेक्स्ट उसके सामने आपका जो रजिस्टर नंबर होता है वो आपको फिल कर देना है। रजिस्टर नंबर फिल करने के बाद आपका 7 डिजिट का होता है रजिस्टर नंबर, वो आपको फिल कर देना है इस बॉक्स के अंदर। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपको करना होगा, तो इसको पहले भर ले, अच्छी तरह से भरे, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना, तो मिस्टेक अगर आप करोगे तो कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाएगा। तो चलिए ये हो जाने के बाद अपना नंबर डाल देना, हर कुछ डालने के बाद ईमेल एड्रेस। तो देखिए यहाँ पर जो मैं पूरा डाल दिया, आपको पूरा फिल करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कर देना। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट आपको पकड़ लेना, क्योंकि आपका ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, तो इसको क्लिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते, प्रोसेस करते आगे का प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप फॉलो हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं तो आप कहीं नोट कर लो इसको। तो चलिए इसको कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और फॉर्म खुल जाता है, यहाँ पर आपको और डिटेल्स में आपका पूरा डिटेल्स डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप जो, यहाँ पर आपका डिटेल्स, कुछ डिटेल्स ऑलरेडी आता है, यहाँ पर आप मेल हो फीमेल हो वो आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अपना आपको डिटेल्स पूरा आपको फिल कर देना अच्छी तरह से, मिस्टेक ना करें कहीं पर भी अपना डिटेल्स, अगर मिस्टेक आप करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। देखिए यहाँ पर लिख देना आपका
देखिए ये नेम ऑटोमेटिक आ जाता है कैंडिडेट का। और देखिए यहाँ पर आप अपना लिख सकते हो याद के लिए कि अगर आप कहीं भूल जाते हो तो इसका पासवर्ड को फॉरगेट कैसे करोगे, तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप कर दे लिख देना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे जो किया जाएगा उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो मैं स्कूल अपना सिलेक्ट कर लिया हूँ ऐसे ही, और इसके नीचे जो है आपको सिक्योरिटी यहाँ पर डालना पड़ेगा। देखिए सिक्योरिटी आंसर वो क्वेश्चन था स्कूल का पूछेगा, और यहाँ पर आप कुछ भी डाल देते हो, मैं डॉग डाल देता हूँ, कुछ भी आप ऐसा डालो जो आपको याद रहे। कहीं अगर फ्यूचर में आपको कुछ प्रॉब्लम से पासवर्ड भूल जाते हो तो फिर दोबारा बनाने में आपको ये सिक्योरिटी आंसर आपसे किया जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है, वो आप डालोगे तो ही रिकवर होगा, नहीं तो ये रिकवर नहीं होगा। तो ध्यान से आपको देना है। चलिए इसको लिख लिया हूँ और इंडिया को मैं सिलेक्ट कर लिया। आपका जो नेशनलिटी क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपका जो स्टेट है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना। तो देखिए मैं स्टेट कर्नाटका कर लिया हूँ, मैं कर्नाटका से लिखने वाला हूँ ये एग्ज़ामिनेशन। उसके बाद यहाँ का पिन कोड आपको डाल देना है। इसके बाद देखिए नीचे का एड्रेस अब आ जाता है, परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऊपर में रहता है और नीचे में देखिए यहाँ पर डाल दिया उसको। नीचे का जो एड्रेस है तो वो एड्रेस भी आपको डाल देना है अपने हिसाब से। परमानेंट आपका एड्रेस क्या है, ये वो ऊपर का करस्पॉन्डेंस एड्रेस था और नीचे का परमानेंट है। अगर आपका सर्टिफिकेट करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर नहीं जाता है कुछ कारण, अगर आप नहीं रहते हो, तो आपको यहीं पर आपका परमानेंट एड्रेस पर आपका डॉक्यूमेंट को सेंड किया जाएगा। इसके लिए परमानेंट सही एड्रेस अपने गाँव का, विलेज का, जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस वहाँ का डाल दो। देखिए दोबारा फिर से आ चुका है, सेम आता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लो, नहीं तो नहीं लो, आपकी मर्जी, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर होने के बाद आपको फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको बैक जाना पड़ेगा, और बैक जाकर आपको फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी आईडी लॉगिन हो चुकी है, तो यहाँ पर चाहो तो अगर आप ईमेल एड्रेस को वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो वेरीफाइड कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम के लिए अगर नहीं करते हो तो आपको कोई से इफ़ेक्ट नहीं होगा एग्ज़ाम के लिए। और अपना नंबर भी नहीं अगर वेरीफाइड करते हो तो कोई भी आपको एग्ज़ामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आप बाद में कर सकते हो, तो इसको आप बाद में कर सकते हो। इससे क्या होता है आपको नोटिफिकेशन और अपडेट आएंगे, तो बाद में आप ज़रूर कर देना इसको। तो चलिए यहाँ पर एडिट आपको दिख रहा है, अप्लाई एंड ट्रैक जो यहाँ पर योर एप्लीकेशन, इसको क्लिक करना है। आईडी आपका बन चुका है, अब यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पर आपको फुल डिटेल्स में एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा आपको एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाता है। तो देखिए इसको करने के बाद यहाँ पर ओके आपसे कन्फर्मेशन पूछता है, तो इसको कन्फर्म कर देना। तो देखिए एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको फिल कर देना। कुछ डिटेल्स आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है, कुछ आपको क्या करना पड़ता है, कुछ आपको फिल करना पड़ता है। तो क्या क्या आपको फिल करना पड़ेगा तो देख ले यहाँ पर, आपको अब कौन से बोर्ड से एग्ज़ाम दिए वो आपको पूछेगा, तो वो आपको फिल करना है। एकेडमिक डिटेल जो होता है आपका 12th स्टैंडर्ड का पूछेगा, आपको कौन से ईयर में आप पास हुए वो आपको फिल कर देना है, कौन से बोर्ड से, ये पूरा आपको आप पास हो या नहीं हो वो पूरा आपको डिटेल्स अपने से खुद फिल कर देना। और सेकेंड जो डिटेल्स आ जाता है प्रीवियस, यहाँ पर ये जो सेकेंड है ना, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप पहले इससे पहले भी एग्ज़ाम दे चुके और फेल हो चुके तब यहाँ पर आपको डिटेल्स आपको डालना पड़ता है जो प्रीवियस है। तो यहाँ पर ये माइनॉरिटी नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे तो यहाँ पर ज़रूरत इसकी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सेंटर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने सेंटर कैसे सिलेक्ट करें, तो अपने हिसाब से आपको गूगल मैप पर देखे आप कौन सा जोन में रहते हो वो जोन सेलेक्ट करना है। तो मैं साउथर्न में रहता हूँ बेंगलोर के अंदर, तो ये साउथ थर्न आता है, आपका ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, जो भी आप वो कर देना है। इसके बाद आपका जो आसपास का ऐसे भवन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना। तो देखिए मैं बेंगलोर वन किया जो बसवंतगुड़ी में, तो देखिए ये हो चुका है। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हो एड्रेस जो आपको नज़दीक हो वो नज़दीक चूज़ करें। उसके बाद मीडियम का आता है, तो कौन सा मीडियम में आप अपेयर्स होने वाले हो अपेयर, तो वो मीडियम आपको सेलेक्ट कर लेना। हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है वो मीडियम आपको सेलेक्ट करना कर लेना। देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मैंने पहले वीडियो में बताया था डिक्लेरेशन फॉर्म को अटैच कराना पड़ता है, जो अगर आप नहीं देखे तो आई बटन में आपको दिख रहा होगा, तो उसको पहले देखें कैसे अटैचमेंट कराना है। इसके बाद अटैचमेंट कराने के बाद इसको GPG फाइल में कन्वर्ट करना है, 100 to
300 लास्ट इसका, उसके अंदर में आपको करके इसको अपलोड करना है, जीपी में करना है। अगर आप नहीं देखे तो इसको कैसे अपलोड कर, इसको कन्वर्ट करना है, मर्ज करना है, तो आपको इसके इसमें आई बटन में एक और वीडियो शो कर रहा होगा, तो उसको ज़रूर देखे जाके कैसे कन्वर्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइल को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आपको सीधा डायरेक्ट प्रोसेस आ जाएगा पेमेंट करने का। वो पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए पीडीएफ को जो मैं कन्वर्ट करके ऑलरेडी रखा हूँ जीपीजी फाइल में, तो इसको सिलेक्ट कर लेना। अब इसको डाउनलोड कर लेना है पहले कन्वर्ट करके। तो चलिए यहाँ पर फाइल में जाकर इसको मैं खोजता हूँ कहाँ पर है, और इसको फिल करने के बाद, इसको कन्वर्ट मैं ऑलरेडी कर चुका, इसको अपलोड करते ही सक्सेस हो जाएगा, तो ज़्यादा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर आएगा। तो पहले से अगर आप करते हो तो अच्छा है आपके लिए, ऐसे डायरेक्ट आप करोगे तो नहीं होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर मुझे नहीं मिला, मैं दूसरे इसमें जाता हूँ फाइल में। देखिए ऑलरेडी मैं कर दिया हूँ, यहाँ पर मैं वीडियो थोड़ा स्किप कर दिया हूँ। तो देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड कर दिया हूँ। अब इसको देखिए नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है इसको मैं सेंड किया, तो देखिए यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा जो आपने फिल किया है अभी रिसेंटली और जो पहले आप किया। यहाँ पर आपका पूरा आपका सेंटर भी आ जाएगा, आपका पूरा डिटेल्स फुल डिटेल्स आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन आपका फुल डिटेल्स आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको आ जाएगा एग्जामिनेशन फीस पे करने का। तो देखिए यहाँ पर पेएबल लिखा रहा है 1500 पेएबल, यानी कि अभी पे करना। और देखिए डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पर हो चुका है, ये सक्सेस हो चुका है कन्वर्ट करने में जीपीजी फाइल में। तो ये हो चुका पहला स्टेप हो चुका। अब सेकेंड स्टेप यहाँ पर फॉलो करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप फॉलो करें इसको ज़रूर, जो मैं सेकेंड स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1500 पेएबल है, यानी कि आपको पे करना है। तो बैक आपको नहीं जाना है, तो देखिए इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर बैक आपको नहीं जाना है, आपको नेक्स्ट करके आपको आगे जाना है। मेक पेमेंट का आपको बटन दिखेगा, ये मेक पेमेंट आपको करना है। तो ये आप इसको एग्री कर दे, एग्री करने के बाद ही आप जा सकते हो। तो पेमेंट का ऑप्शन, उसके बाद ओके दबाइए। ओके के बाद यहाँ पर देखिए आ जाता है, अब देखिए मेक पेमेंट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मेक पेमेंट आपको करना होगा 1500 रुपीज़। इसके बाद आप किसी भी पेमेंट मेथड से कर सकते हो। होने के बाद यहाँ पर आपको एक OTP आएगा। तो देखिए मेरा हो चुका है, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ फाइल, शायद मेरे में फ़ोटो आया है या नहीं आया, तो देखते हैं। तो PDF को डाउनलोड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर फ़ोटो नहीं आया, यानी कि इसको फिर से अटैच कराना पड़ेगा, चाहे आप गजेटेड ऑफिसर से कराए, चाहे आप हेड प्रिंसिपल से कराए, चाहे आप CA से कराए, CA में किसी से ना किसी से आपको कराना पड़ेगा, और आपको इस एड्रेस पर भेजना पड़ेगा, दिन आपका सक्सेस हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कर देना, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर देना और सक्सेस कर देना। अगर आप किसी भी मिस्टेक करते हो तो आपको एक टाइम आपका छूट जाएगा, तो ध्यान से आपको करना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। तो अगर वीडियो आपको मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, कि मैं जो भी ICICI से रिलेटेड या किसी भी टेक्निकल वीडियो में अपने चैनल के ऊपर लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और टाइम टू टाइम आपको अपडेट में देता रहूं, क्योंकि ये ICICI यहाँ पर बहुत सारा इनका रूल्स और रेगुलेशन है। अगर आपसे एक भी मिस्टेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में बढ़ते रहें और कहीं ना रुके, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट ही मानो कि मैं कर रहा हूँ, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो के साथ। धन्यवाद।